મહત્વપૂર્ણ સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો ખેડાના માતરના પૂર્વ ધારાસભ્ય કેસરીસિંહ સોલંકીની નારાજગી દૂર થઈ છે। કેસરીસિંહ સોલંકીને ટિકિટ ન મળવાને કારણે બે દિવસ પહેલા જ તેઓ જોડાયા હતા આમ આદમી પાર્ટીમાં। તો આ અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપવા બદલ અમારા સંવાદદાતા ઇમરાન ખેડાથી અમારા સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। જી ઇમરાન, શું છે વિસ્તૃત માહિતી? जी निकिता, चौकस की बात करे तो सुबह का बुला शाम को गहरा ए रीत घटना बनी है। समग्र बाबत बात कर तो भाजप नु पहलू लिस्ट उम्मेदवार बहार आता मातर विधानसभा केसरी सिंह नाम कपायु तो सौ प्रथम तो कांग्रेस नो संपर्क करो तो, त्यारबाद आम आदमी पार्टी नो कॉन्टेक्ट कर आम आदमी पार्टी नो फेस पहेरियो तो मात्र 40 कलाक में घर वापसी थे संकेत मिली रहा है। आज जो केसरी सिंह धारासभ्य पद प्राथमिक भाजपा पद पर भी आज राजीनामु आपवा जवाना था। मीडिया समक्ष तेमणे एवुं जणाव्युं हतुं के आज राजीनामु आपवानुं छे, परंतु तेमना फेसबुक हेन्डल पर थी एक पोस्ट करवामां आवी हती तेमां देखाई रह्युं हतुं। आम आदमी पार्टीए केसरी सिंह ने जॉइन करी जे मातर माटे उम्मेदवार पसंद कर्यो हतो तेने केन्सल करी केसरी सिंह ने आम आदमी पार्टी माथी टिकिट आपवामां आवी हती। महत्वनी वात करी अने जे उम्मेदवार आम आदमी पार्टी नो हतो तेरे अपक्ष लड़वानी पण जाहेरात करी लीधेली हती। महत्वनी वात करवामां आवे तो केसरी सिंह भाजपमां आवशे तो आम आदमी पार्टीमांथी मातर विधानसभा माटे कयो मुरत्यो तैयार थशे? जी ઇમરાન, આભાર છે તમારો। તો જે રીતે ઇમરાને જણાવ્યું કે केसरी सिंह आम आदमी पार्टी में जोड़ाया था ने जोड़ाना थोड़ा कलाकों बाद ज तेओ घर वापसी करी छे ने तेओ भाजपमां पाछा जोड़ाया छे। खेड़ाना मातरना पूर्व धारासभ्य केसरी सिंह સોલંકીની નારાજગી થઈ છે દૂર। केसरी सिंह સોલંકી ने टिकट न मळवाने कारणे बे दिवस पहला ज तेओ आम आदमी पार्टी में जोड़ाया था अने तेना जोड़ावाना थोड़ा कलाकों बाद ज तेओ घर वापसी करीने भाजपमां पाछा जोड़ाया छे।